अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपने उर्दू की गुलदस्ते हरूफ दूसरा कदम खोलें ताकि हम आज के सबक का आगाज़ कर सकें। तो उर्दू गुलदस्ते हरूफ का सफ़ा नंबर 13 आज हमारा काम होगा, जिसके ऊपर आज आपने सफ़ा नंबर 11 आज का हमारा काम होगा, और इसके ऊपर आपने जमात का काम, दिन और तारीख लिखना है। इसमें इस सफ़े पर हम आज जो सीखेंगे वो है मुसव्वतों का तारुफ। मुसव्वतें क्या हैं कि उर्दू जो हरूफ हैं अलिफ से लेकर ये तक तकरीबन 36 हरूफ जो हैं, इनमें 4 हरूफ ऐसे हैं जो कि जब किसी चीज़ के साथ आते हैं, किसी दूसरे हर्फ के साथ आते हैं, तो अपनी आवाज़ बदल देते हैं। और आम तौर पर हम लफ्ज़ों में क्या आवाज़ देखते हैं? आ, ऊ, ई और ए। तो यही 4 आवाज़ें जो हैं वो इन 4 मुसव्वतों की हैं। जैसे कि अलिफ, इस पेज पर आप देख रहे हैं, अलिफ पहला मुसव्वता है, वाओ दूसरा, फिर ये और बड़ी ये। 4 मुसव्वतें हैं, कौन कौन से? अलिफ, वाओ छोटी ये और बड़ी ये। लेकिन इस सबक में अभी हम सिर्फ पहले 2 मुसव्वतों को देखेंगे, अलिफ को और वाव को। तो अलिफ की साउंड है जैसे कि आ, तो जैसे क्याफ को मिलाया अलिफ के साथ तो क्याफ बन गया, क्याफ और अलिफ का। इसी तरह वाव है, तो वाव को जब हम किसी भी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो जैसे ओ की आवाज़ देती है, ओ, ठीक है। तो जैसे काफ को ही हमने वाओ के साथ मिलाया तो वो काफ क्याफ हो गया, क्याफ वाओ को। तो क्याफ अलिफ का, क्याफ वाओ को। तो जैसे ही हम इन मुसव्वतों को हरूफ के साथ मिलाते हैं तो इनकी आवाज़ बदल जाती है। तो चले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्लास वर्क पर चलेंगे। तो ये जैसे कि आपके सामने है, तो अलिफ, अलिफ की साउंड क्या है? आ। और वाओ, वाओ की साउंड क्या है? ओ, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम कोई भी एक हर्फ ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं हर्फ जीम ले लेते हैं। हमने हर्फ जीम लिया और इस जीम को, हर्फ जीम को, क्योंकि हम जब किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलाते हैं तो हम इसकी क्या लेते हैं? आधी शक्ल लेते हैं। तो जीम की आधी शक्ल जा ली हमने। अब इसको हम मिला देंगे मुसव्वते के साथ। मुसव्वता कौन सा? अलिफ। तो ये जीम और इसकी आधी शक्ल को हमने अलिफ के साथ मिला दिया। तो जीम की साउंड क्या थी? ज। और उसको हमने अलिफ के साथ मिलाया तो हो गया जा। जे, देखे जीम को जब हमने अलिफ के साथ मिलाया तो वो क्या हो गया? जा। इसी तरह बे को अगर अलिफ के साथ मिलाएंगे तो ब, आ, बा हो जाएगा। पे को मिलाएंगे तो पा, ते को मिलाएंगे ता। इसी तरह ये चलता जाएगा। अभी हम जैसे अगर, तो इसी तरह अगर हम जो हर्फ है जीम उसकी आधी शक्ल यानी ज को अगर हम मुसव्वते वाव से मिला देते हैं तो जीम, वाव, जो, ठीक है। ओ, देखे ज, ओ, जो की साउंड में देखें। तो ये तो था, एक छोटी सी एक्टिविटी थी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने जमात के काम की तरफ। तो आप सब बच्चे अपना गुलदस्ते हरूफ वर्क बुक ओपन करें। कौन सी किताब? गुलदस्ते हरूफ दूसरा कदम वर्क बुक। और इसका हम करेंगे सफ़ा नंबर 13 है वर्क बुक का। इसके ऊपर जमात का काम, दिन और तारीख लिखें। तो अब ये देखें, हरूफ को हम यहाँ पर कुछ हरूफ दिए गए हैं, हम उनको 1 by 1 अलिफ मुसव्वते के साथ मिलाएंगे और फिर देखेंगे कि उनकी आवाज़ क्या तब्दील होती है। तो ते है, तो ते की छोटी शक्ल ता को हम मिला देंगे अलिफ के साथ, तो ते अलिफ ता। इसी तरह सीन है, तो सीन की जो आधी शक्ल है स, उसको अलिफ के साथ मिलाएंगे तो सा। इसी तरह ब की आधी, बे की आधी शक्ल ब को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो ब। इसी तरह गाफ की आधी शक्ल है तो उसको हम अलिफ के साथ मिलाएंगे तो ग। इसको जो है वो, यानी इसकी आधी शक्ल यूं है, लेकिन जब हम इसको किसी के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यूँ गोल बना के ऊपर, तो यूँ, यानी कि इसको हम यूँ गोल कर देते हैं। तो आप सबने याद रखना है कि इसकी आधी शक्ल हमने जैसे ये पढ़ी थी, लेकिन इसकी आधी शक्ल एक ये वाली हम यूज़ करेंगे, ठीक है।
उसके बाद जीम वाओ है जो मुसवता हमारा, उसके साथ भी हमने कुछ हरूफ भी मिलाने हैं। तो चले देखते हैं। तो जैसे पहला हरूफ ये हमने भी एक्टिविटी की उसमें भी जीम की आधी शक्ल को वाओ के साथ मिलाएंगे, तो जो, ते के साथ मिलाएंगे तो ये वो अल्फाज हैं जो हम अपनी हर रोज़ बातें करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ, या तो क्या बात हुई, और दाल वाओ दो मुझे दो, क्याफ वाओ को यानी मैंने अली को पानी दिया, ठीक है। तो ये देखिए वही अल्फाज हैं ना जो हम अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं। तो जब भी कोई भी हर्फ मुसवते वाओ के साथ मिलता है तो वो ओ की साउंड देता है, और फिर अलिफ के साथ मिलेगा तो आ की आवाज़ देगा। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई कि कैसे जो है वो मुसवते, कौन कौन से मुसवते हैं, चार मुसवते हैं, और जब उनको हरूफ के साथ मिलाया जाता है तो उनकी आवाज़ बदल जाती है, आ ओ ई और ए। लेकिन अभी हम सिर्फ दो को सीख रहे हैं। तो जो जैसे अभी हमने यहाँ पर किया है अरकान साजी की है, ठीक है, इसी तरह आपने अलिफ और वाओ की अरकान साजी पाँच पाँच हरूफ की घर से घर के लानी है, करनी है घर के काम में। मैं एक आपको करके देती हूँ। जैसे कि हमने हर्फ ले लिया है पे, और पे को किसके साथ हमने मिला दिया, अलिफ के साथ, तो ये क्या बन गया, पे अलिफ पा, ठीक है। इसी तरह हम इधर भी पे को ही ले लेते हैं, तो पे लिया, उसको हमने मिला दिया वाओ के साथ, तो ये पे वाओ पो बन गया, ठीक है। तो इसी तरह आपने तमाम पांच पांच हरूफ को इनके साथ मिलाकर तो ये अपना घर का काम करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।